hello students welcome to the second part of chapter 1 i hope you have watched the first part of the chapter if not please go back and watch the first part so in this part we are going to learn about different parts of plants and animal products as a food and after that we are going to classify animals basis on the food they eat so let's start with the first topic Plant parts and animal products as a food So let's start As we have discussed earlier plants are one of the main source of our food So how they provide food to us can anyone tell As given in the book we eat many leafy vegetables Leaf are the part of plants. Am I right or wrong? Yes, they are part of plants. Leafy vegetable like Fudina, Methi, Palak, etc. We sometimes also eat fruits of the plant. There are n number of example like apple, banana, then mango. We sometimes eat roots of the plant, such as carrot. Carrot is nothing but root, which we are eating. Sometimes we eat stems, even flowers. So these different part, which we eat as a food, am I clear? Figure number one point four. This figure is very important please pay attention this figure show different parts of the plant starting from flower fruit stem leaf node internode bud primary root and secondary root this figure show different edible parts of plants so what is edible parts and non edible parts कैन एनी वन टेल लेट सी वॉट इज एडिबल पार्ट्स एंड नॉन एडिबल पार्ट्स इन सिंपल वर्ड एडिबल पार्ट्स उसे कहते हैं जिसे हम कंज्यूम कर सकते हैं जो ईटेबल है एंड नॉन एडिबल ऑपोजिट जो हम नहीं कंज्यूम कर सकते या जिसे हम ईट नहीं कर सकते वैसे पार्टस को हम नॉन एडिबल पार्ट्स कहेंगे एज मैंशन Some plants have two or more edible parts. The given example is mustard plant. Seeds of this plant give us oil, and leaves of this plant is used as vegetable. Now it's your turn. Write down at least one example of parts of plant which are used as food. Pause the video and write it down.

स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर है यू कैन सी इन द फिगर वन पॉइंट फाइव यहाँ पे आपको मूंग दाल के अंदर वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है हाँ huh? यस yes. यही स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्प्राउटेड सीड्स वेनेवर वी किब सीड्स अंडर वाटर फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम देन दिस सीड्स गेट्स स्प्राउटेड मतलब जब हम सीड्स को पानी के अंदर कुछ देर तक भिगो के रखते हैं तो उसके अंदर से स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर ग्रो होता है और यही स्ट्रक्चर को हम स्प्राउटेड सीड्स कहते हैं एम आई क्लियर एंड द क्वेश्चन राइज कि अगर सेड्स स्प्राउटेड नहीं हुई और हमें सेड्स को स्प्राउटेड करना है तो कैसे करेंगे सेम हम वो सीड्स को कुछ देर तक पानी के अंदर भिगो के रखेंगे तो नेक्स्ट डे पे वो सीड्स स्प्राउटेड हो जाएंगी सिंपल आपकी बुक में भी यही दिया है देखिए वॉश द सेट्स इन वाटर

एंड वेयर हनी इज प्रोड्यूस्ड सिंपल है बहुत प्यारा सा टॉपिक है आई थिंक आप में से आधे लोगों को पता होगा कि हमें हनी कहाँ से मिलता है लेट्सी बी कलेक्ट्स द नेक्टा स्वीट जूस फ्रॉम द फ्लावर्स जो हनी बीस होते हैं जो फ्लावर के अंदर से स्वीट जूस कलेक्ट करते हैं वो जूस को हम नेक्टर कहते हैं क्वेश्चन कैन बी आस्ट, वॉट इज नेक्टर तो हमें आंसर क्या लिखना है बी कलेक्ट्स द नेक्टर दैट इज स्वीट जूस फ्रॉम द फ्लावर ओके इट इज नोन एज नेक्टर सो आफ्टर कलेक्टिंग दिस नेक्टर वॉट डज बी डू बी कन्वर्ट दिस नेक्टर इन टू हनी ओके जो बीज ने नेक्टर कलेक्ट किया है उसको वो किस में कन्वर्ट करेगा हनी में एंड देन स्टोर इट इन देयर हाइव ओके फिर वो उसे कहाँ स्टोर करता है उसके हाइव में देखिए फिगर नंबर वन पॉइंट सेवन में बी हाइव्स दिए हुए हैं हनी बीस के घर को बी हाइव्स किया कहा जाता है ओके okay? हनी बीस के घर को क्या कहा जाता है बी हाइव्स ओके okay, क्लियर है सबको बट दिस फ्लावर्स एंड द नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर पार्ट ऑफ द ईयर वो ईयर के कुछ पार्ट के लिए ही अवेलेबल होते हैं तो हनी बीस क्या करते हैं बीस स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर वो ये नेक्टर को हाई में इसीलिए स्टोर करके रखते हैं कि वो इसे यूज कर सके थ्रू आउट द ईयर Okay, the last topic of chapter What do animals eat? Okay, based on this, we have classified animals into three categories namely, herbivores, carnivores, and omnivores. Let's see one by one in brief. So, which animals are known as herbivores? Animals which eat only plants. और प्लांट्स प्रोडक्ट्स सच एनिमल आर कॉल्ड हर्बीवॉर्स जो एनिमल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स या प्लांट्स के प्रोडक्ट्स खाते हैं वैसे एनिमल्स को हम हर्बीवॉर्स कहते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन, एनिमल्स विच एट अदर एनिमल्स सच एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्स कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं इस टाइप के एनिमल्स को हम कार्निवोर्स कहते हैं एंड लास्ट कैटेगरी ओमनीवर्स एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स सच काइंड ऑफ एनिमल्स आर नोन एज ओमनिवर्स तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं इस टाइप के एनिमल्स को हम ओमनिवर्स कहते हैं एम आई क्लियर क्लियर और नॉट आप सबको समझ रहा है वेरी गुड ओके एज यू सी टू टेबल टेबल नंबर 1.5 एंड 1.6 आपको सिर्फ टेबल नंबर 1.6 को कंप्लीट करना है आपको क्लासिफाइड करने हैं हर्बीवर्स एनिमल कार्निवर्स एनिमल और ओमनिवर्स एनिमल एनिमल्स के नाम आपको टेबल नंबर फाइव में से लेने हैं एम आई क्लियर आपको क्लासिफिकेशन करना है हरबीवॉर्स एनिमल का एनिमल का और एनिमल का और वो एनिमल्स के नेम आपको कहां से लेने हैं टेबल नंबर वन पॉइंट फाइव ओके सो पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट द टेबल कम ऑन फास्ट एंड फाइनली वी नो देट देर आर मैनी अमोंग अर्स हु डू नॉट गेट सफिशेंट फूड वी नीड टू फाइंड वीस बाई विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री बिल्कुल जैसे आप सबको पता है हम में से कही को तीन टाइम का खाना बराबर से नहीं मिलता तो इसलिए हमें डिफरेंट सॉल्यूशन क्रिएट करने होंगे जिससे हमारी कंट्री प्रॉपर फूड ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस्ड कर सके और उतना ही नहीं हमें ये पर्टिकुलर फूड इजीली अवेलेबल हो उसका भी इंश्योरिटी करना होगा एम आई क्लियर ओके तो इसी के साथ हमारा ये प्यारा सा चैप्टर फिनिश होता है एंड थ्रू आउट द चैप्टर हमने ये सब कीवर्ड्स देखे हैं इंग्रेडिएंट्स एडिबल नेक्टर स्प्राउटेड सीड्स हर्बीवर्स कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स सबको पता है ये सब की वर्ड्स वेरी गुड स्टूडेंट्स ट्राई टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज जस्ट ट्राई द एक्सरसाइज अगर ये एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन नहीं आया नहीं समझ में आया तो आई विल हेल्प यू और अदरवाइज आई विल प्रोवाइड द सोल्यूशन फॉर दिस एक्सरसाइज बट फर्स्ट You try the exercise. Okay? So this first chapter of standard fifth science has been completed. Thank you.